हेलो बच्चों, हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला एंड आई एम टीना चोपड़ा, योर जूलॉजी मेंटर, एंड दिस इज योर वेरी ओन पेस बैच. So guys, once again, we have started this journey of zoology and we have started with another chapter of human physiology, that is neural control and coordination. So guys, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल्स जो कि इस नर्वस सिस्टम को इस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, नर्वस सिस्टम को बनाएंगे, राइट? और हमने देखा था कि दो तरह के सेल्स होते हैं, एक्साइटेबल भी और नॉन एक्साइटेबल भी, राइट? जो इम्पल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरे वो जो इम्पल्स बेशक प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राधा ज्यादा पॉपुलेशन उन नॉन एक्साइटेबल सेल्स की है. सो क्या बोलते थे हम उनको? न्यूरोग्लायल सेल्स, राइट? और इन सेल्स को पढ़ने के बाद हमने ये भी देखा कि न्यूरॉन किस तरह से इम्पल्स प्रोड्यूस करता है. आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू एनसीईआरटी और अब एनसीईआरटी पढ़ के तुम्हें बिल्कुल क्लियरली पता लग गया होगा, क्योंकि उसमें वो जो करंट वाली टर्म्स दी हुई है, व्हाट डज इट रियली मीन? आई एम श्योर नाउ इट डजंट कंफ्यूज यू एनी मोर, राइट? एंड मेक श्योर दैट यू डू रीड एनसीईआरटी. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि हैव यू रेड एनसीईआरटी और नॉट, एंड वर यू एबल टू रिलेट टू वॉट वी स्टडीड. ओके, सो लेट मी नो दैट. एज यूजुअल गाइज, हम आपस में बात जरूर करेंगे कमेंट सेक्शन के थ्रू, राइट? चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो गाइज, हमने स्टडी किया है अभी तक नर्व इम्पल्स किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस तरह से कंडक्ट होती है अलोंग द लेंथ. सो वी आर स्टिल लेफ्ट विद अनदर एस्पेक्ट ऑफ नर्व इम्पल्स, एंड दैट इज ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन मीन्स एक न्यूरोन से अगले न्यूरोन तक मैसेज का जाना, ठीक है? इसको क्या कहेंगे? ट्रांसमिशन. एक है जनरेशन, एक है कंडक्शन, एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ट्रांसमिशन. सो फर्स्ट थिंग अबाउट ट्रांसमिशन इज कि ट्रांसमिशन गाइस होता है अक्रॉस द साइनैप्स. साइनैप्स कहते हैं जंक्शन को. साइनैप्स का मतलब होता है जंक्शन. याद है पिछली बार हमने जब जूलॉजी पढ़ी थी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी थी, तो जब मैं आपको मसल करा रही थी तो मसल फाइबर के केस में भी हमने पढ़ा था न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, साइनैप्स बिटवीन द न्यूरॉन एंड मसल, राइट? तो साइनैप्स का मतलब होता है जंक्शन, ब्रिज, जो दो चीजों को कनेक्ट करेगा. अब कनेक्शन जरूरी नहीं है कि फिजिकल कनेक्शन ही हो, कि दो न्यूरॉन्स एक्चुअली इन टच विद ईच अदर है. दोनों तरह से हो सकता है, राइट? सो साइनैप्स क्या है? जंक्शन है जहां पे दो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन होना है, ठीक है? सो दिस इज वेयर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अकर्स, वेयर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अकर्स. इज दैट क्लियर? Transmission of impulse occurs means it jumps from one neuron to another. Clear? Now let us see what are different kinds of synapses. So guys, synapses do tarah ke hain. One is chemical and the other one is electrical synapse. Clear? Now what is chemical synapse? Dekho, chemical synapse mein kya hoga? I'll mention it here itself. So one is chemical and the second one is electrical synapse. So, दोनों में बेसिक फर्क देखो. केमिकल सैनैप्स वहां पे होगा जहां दो न्यूरॉन्स एक्चुअली कंटैक्ट में नहीं है, ठीक है? ये है एग्जॉन एंडिंग ऑफ एक न्यूरॉन और ये है दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट. तो कैन यू सी, दोनों न्यूरॉन्स थोड़े दूर दूर है, राइट? तो एक से दूसरे की तरफ डीपोलराइजेशन पहुंचाने के लिए, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन पहुंचाने के लिए, आयंस का ट्रांसफर करने के लिए, मैसेज कंडक्ट कर आई मीन ट्रांसमिट करने के लिए बीच में जरूरत पड़ेगी कुछ न्यूरोट्रांसमिटर्स की. और इन न्यूरोट्रांसमिटर्स, सॉरी, इन केमिकल्स को हम क्या बोल देते हैं? न्यूरोट्रांसमिटर्स, राइट? तो इसलिए क्योंकि इन केमिकल्स की जरूरत पड़ रही है फॉर द ट्रांसमिशन, सो दिस साइनैप्स इज नोन एज केमिकल साइनैप्स. यहाँ पे एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ एक्चुअली कंटैक्ट में नहीं होता, सो बीच में केमिकल की जरूरत पड़ेगी. दूसरा है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स. सो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ एक्चुअली कंटैक्ट में होगा विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल ब्रिज, एंड दिस अनदर जंक्शन इज नोन एज गैप जंक्शन. सो गाइस, जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, यानी टिश्यूज पढ़ेंगे, तो आई टेल यू कि बहुत सारे तरह के सेल जंक्शंस होते हैं,
ठीक है, एक जंक्शंस होते हैं गैप जंक्शंस, यानी जहां पे भी दो चीजों के बीच में गैप है उस गैप को हटाने के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस करवाने के लिए जो जंक्शन होगा, जो ब्रिज होगा, उसको क्या कह देते हैं, गैप जंक्शन। और भी कई तरह के जंक्शंस होते हैं जो हम पढ़ेंगे टिश्यूज वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे एक याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। इज इट क्लियर? तुम्हें याद आ रहा होगा कार्डिक मसल्स, तुम्हें याद है कार्डिक मसल्स में हमने इंटरकैलेटेड डिस्क्स की थी कि एक ब्रांच के अंदर अगर मैसेज आया तो वो दूसरी ब्रांच में भी जाएगा, तो वहां पे भी यही गैप जंक्शंस होते हैं, यानी जो दो चीजों को कनेक्ट करेंगे एक्चुअली बाय ब्रिंगिंग देम इन टच विद ईच अदर। अब ये ऐसी बात हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कि जैसे एक वायर है और दूसरी वायर है और दोनों वायर्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में तुमने थर्ड वायर जोड़ दी, तो वो तीनों वायर्स मिलके एक वायर की तरह एक्ट करेगी। तो जहां पे ये गैप जंक्शन आ जाता है वहां पे ये न्यूरॉन वन और न्यूरॉन टू दे आर एक्चुअली इन टच विद ईच अदर, सो दे बिहेव लाइक वन कॉमन न्यूरॉन। इज दैट क्लियर? तो क्योंकि एक्चुअली टच कर रहे हैं तो इम्पल्स जो है वो बहुत जल्दी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाती है, तो रैपिड ट्रांसमिशन होता है, लेकिन इसमें जरा स्लो ट्रांसमिशन होगा। सो क्यों होगा, कैसे होगा, लेट्स सी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल सिनेप्स। ठीक है गाइस, केमिकल सिनेप्स के लिए देखो, एक है हमारा ये न्यूरॉन पे फर्स्ट न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन की एग्जॉन एंडिंग है, दिस इज द एग्जॉन एंडिंग। ठीक है, और एग्जॉन एंडिंग में टर्मिनल नॉब, रिमेंबर द साइनाप्टिक नॉब और द टर्मिनल नॉब, जिसके अंदर साइनाप्टिक वेसिकल्स होंगे विच स्टोर्स द न्यूरोट्रांसमिटर्स, पढ़े थे हमने, ये वेसिकल्स हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमिटर्स स्टोर्ड होते हैं, दीज आर साइनाप्टिक वेसिकल्स एंड दीज साइनाप्टिक वेसिकल्स स्टोर न्यूरोट्रांसमिटर्स। क्लियर? और कई तरह के न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं गाइस, जिस तरह के न्यूरोट्रांसमिटर्स होंगे वैसी हमारी फीलिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, वैसे इमोशंस हो जाते हैं, और इन न्यूरोट्रांसमिटर्स की वजह से बहुत कुछ हो सकता है, लाइक ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज्ड। कभी तुमने सोचा है कि हम हमेशा खुशी के मौके पे दूसरे का मुंह मीठा ही क्यों करवाते हैं, बेशक वो मीठी चीज कितनी अनहेल्दी क्यों ना हो, क्योंकि जो मीठी चीजें होती हैं, जितनी स्वीट चीजें हैं, जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं गाइस, वो रिलीज करवाते हैं एंडोर्फिन्स। इट्स नॉट इन योर सिलेबस बट इट्स गुड टू नो, इट्स इंटरेस्टिंग टू नो। तो एंडोर्फिन्स एक तरह के न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं। कुछ लोग बुरी आदतों के तहत ड्रग्स लेते हैं, तो वो ड्रग्स भी क्या करते हैं, वो ड्रग्स भी न्यूरो ट्रांसमिटर्स की जगह पे एक्ट करते हैं और हमारी लाइफ को हिला के रख देते हैं। सो न्यूरो ट्रांसमिटर्स या ऐसी चीजें जो इनकी जगह पे काम कर सकती हैं, दे एक्चुअली शेप आर पर्सनैलिटी, दे एक्चुअली यू नो दे डिसाइड हाउ वी रिएक्ट। डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर्स होना, अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर होना, ये जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हमें सुनने को मिलते हैं, दे हैव रिलेशन विद न्यूरो ट्रांसमिटर्स एज वेल। नो डाउट हमारी लाइफ के फैक्टर्स, लाइफ के सिचुएशंस इन चीज़ों पे इम्पैक्ट डालती हैं हमारी साइकी पे, बट अल्टीमेटली किनका हेयर फेयर हो रहा है, न्यूरो ट्रांसमिटर्स का। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो न्यूरो ट्रांसमिटर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इन साइनाप्टिक वेसिकल्स के अंदर। क्लियर? अब दूसरे न्यूरोन को भी ड्रॉ कर लेते हैं, और गाइज ये हमारा दूसरा न्यूरोन है, और ये दूसरे न्यूरोन की है डेंड्राइट। ठीक है, ये दूसरे न्यूरोन की क्या है, डेंड्राइट। नासी ये जो टर्मिनल नॉब की मेम्ब्रेन है, इसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको क्या कहेंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो हमारे डेंड्राइट की न्यूरॉन है, इसको कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको क्या कहेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर? और गाइज इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, इस गैप के लिए टर्म यूज होती है साइनाप्टिक क्लेफ्ट। इसको क्या कहेंगे, साइनाप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है गैप, तो द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनाप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब देखो
जब मैसेज आया इस न्यूरॉन पे, मैसेज का मतलब वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, और हमने पढ़ा है कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन में क्या होता है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाएगी। तो देखो जब वेव ऑफ डीपोलराइजेशन यहां तक पहुंचती है गाइस, तो क्या होता है, ऊपर वाली स्टोरी हमें कल क्लियर हो चुकी है कि स्टिमुलस आया, सोडियम पोटेशियम पंप डीएक्टिवेट हुआ, वी हैव रेड इट ऑल। फाइनली यहां वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आई, बाहर नेगेटिव हो गई, अंदर पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहां पे इस मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट हैं, वो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, यहां पे कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर कैल्शियम चैनल्स, तो ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और कैल्शियम चैनल्स के ओपन होने पे कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था, बाहर से कैल्शियम इसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। सो अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स शुरू हो जाएगा, कैल्शियम अंदर जाना शुरू हो जाएगा, कहां से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। इंपल्स आई यानी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन हुई और कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए, और कैल्शियम चैनल्स ओपन होने पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स शुरू हो गया। ये कैल्शियम जाके बाइंड करता है इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ, ये कैल्शियम इनके साथ बाइंड करने लगेगा, ठीक है। अब जब इन वेसिकल्स के साथ कैल्शियम बाइंड हो जाता है, तो गाइज ये कैल्शियम बाउंड वेसिकल्स मेम्ब्रेन के साथ मेम्ब्रेन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, एंड दे विल फ्यूज विद द मेम्ब्रेन, दे विल अल्टीमेटली फ्यूज विद द मेम्ब्रेन, ठीक है। और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करने के बाद ये जितने भी न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं, ये कहाँ पे रिलीज कर देते हैं, इस गैप के अंदर, विच इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो दिस इज ऑल न्यूरो ट्रांसमिटर, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दिस न्यूरो ट्रांसमिटर इज एसिटाइल कोलीन, ACH, वही जो हमने न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे भी देखा था, ठीक है। कई तरह के होते हैं, वी आर जस्ट टेकिंग दिस वेरी कॉमन न्यूरो ट्रांसमिटर। सो ये जो न्यूरो ट्रांसमिटर है एसिटाइल कोलीन, ये कहाँ रिलीज हो गया, साइनाप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, ठीक है। अब इस एसिटाइल कोलीन को रिसीव करने के लिए जो एसिटाइल कोलीन के रिसेप्टर्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के ऊपर, ठीक है। ये क्या है, एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमिटर इनके साथ बाइंड करेगा, और इसके बाइंड करने का मतलब जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ऊपर आ रही थी, अब वो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन यहाँ पे ट्रांसफर हो गई है, यानी कि जब ये एसिटाइल कोलीन इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, तो उसी तरह से वो सोडियम पोटाशियम पंप का डीएक्टिव होना, सोडियम चैनल्स का ओपन होना, सोडियम का इन्फ्लक्स होना, यानी कि डीपोलराइजेशन के लिए जो सब कुछ होता है, वो सारा कुछ अब इस न्यूरॉन में भी स्टार्ट हो जाएगा, एंड वेव ऑफ डीपोलराइजेशन अब ऊपर से कहाँ ट्रांसफर हो गई है, नीचे हो गई। इज दैट क्लियर टू ऑल, समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ सी, सो अब साइनैप्स ट्रांसमिशन देखो कहाँ कहाँ हो रही है। ट्रांसमिशन गाइज इन तीन लेवल्स, तीन मेम्ब्रेन्स के क्रॉस हो रही है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी टर्मिनल नॉब की मेम्ब्रेन, उसके बाद इस गैप, ये गैप जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, ये इन्वॉल्व है इसमें, और कहाँ रिसीव हो रहा है एसिटाइल कोलीन, ऑन द डेंड्रिटिक मेम्ब्रेन, दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये तीन मेम्ब्रेन्स, प्री क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये मिलके बनाते हैं केमिकल साइनैप्स। ये मिलके क्या बनाएंगे, केमिकल साइनैप्स, साइनैप्स का मतलब जंक्शन। तो यहाँ पे मैसेज किन लेयर्स को क्रॉस करके, यानी कौन से जंक्शन को क्रॉस करके आगे ट्रांसमिट हो रहा है, इन तीन लेयर्स को। इज दैट क्लियर? सो गाइज ये होता है केमिकल साइनैप्स, ठीक है। तो केमिकल साइनैप्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तीन कौन से कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं, ये क्लियर हो। प्री क्या होती है, टर्मिनल नॉब की मेम्ब्रेन होती है। पोस्ट क्या होती है, डेंड्राइट, अगले न्यूरॉन की डेंड्रिटिक मेम्ब्रेन होती है। क्लेफ्ट का मतलब हमेशा गैप होता है। इज इट क्लियर? नाउ बिकॉज देयर इज अ गैप, दैट इज व्हाई वी रिक्वायर अ न्यूरो ट्रांसमिटर, फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलीन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं हमारे अंदर, क्लियर। और जो मैंने अभी बताया था कि मुंह मीठा हम क्यों करवाते हैं, क्योंकि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, और एंडोर्फिन्स जो है वो हैप्पी फीलिंग देते हैं, अच्छा लगता है। चॉकलेट गिफ्ट की जाती है, तो चॉकलेट, मिठाई, कोई भी मीठी चीज, कितनी भी अनहेल्दी क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट वो अच्छा फील कराती है। इज इट क्लियर? करेला चाहे कितना भी हेल्दी हो, लेकिन वो एंडोर्फिन रिलीज नहीं कराता। इज इट क्लियर? चले, सो अब वापस आते हैं साइनैप्स पे। इज दैट डन? ठीक है, तो अब देखो
स्टेप्स क्या थे केमिकल साइनैप्स के. सो इन दिस एनिमेशन वी कैन सी सी व्हाट इज हैपनिंग. ऊपर से इंपल्स आ रही है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं. एंड कैन यू सी जब इंपल्स आएगी, लेट इट कम अगेन, वेट करते हैं. सो दी इंपल्स आ रही है और ये वेसिकल्स इसके साथ फ्यूज कर रहे हैं. फ्यूज करके दे आर रिलीजिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स इन दिस गैप नोन एज क्लेफ्ट. और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है. ये क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. दिस वन इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. और इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर और ये है हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. और इस गैप को क्या बोला था? साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, असी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इसके अंदर. दीज आर साइनेप्टिक वेसिकल्स, राइट. और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज हो जाएंगे इसके साथ. जब ये फ्यूज हो जाएगा, सी इट इज फ्यूजिंग एंड इट इज रिलीजिंग द न्यूरोट्रांसमीटर इन द स्पेस. और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जाके बाइंड हो जाएंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट इन रिसेप्टर्स के साथ. दीज आर द रिसेप्टर्स. ठीक है, अब यहां पे तुम ब्लू वाली चीजें देख रहे हो, ये रॉकेट जैसी चीजें जो ब्लू वाली भी आ रही हैं और यहां से न्यूरोट्रांसमीटर को साफ कर रही हैं. अब ये क्या है? सो गाइस, ऐसी बात है कि एक बार अगर मैसेज आगे न्यूरॉन की तरफ अगले न्यूरॉन को ट्रांसमिट हो गया तो पीछे से वो एसिटाइल कोलीन या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो वॉश अवे होना चाहिए, वो वहां से हटना चाहिए. क्योंकि जब तक एक बार का रिलीज एसिटाइल कोलीन या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर वहां पे रहेगा, अगली इंपल्स नहीं आ सकती है. सो होता क्या है कि जैसे एसिटाइल कोलीन अगले के सॉरी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा और मैसेज अगले न्यूरॉन को ट्रांसमिट हो जाएगा, यहां का एसिटाइल कोलीन यहां से हटाना होगा. और हटाने के लिए ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि एसिटाइल कोलीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है, वी कॉल इट एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज. नाम के पीछे एज आया है तो हमेशा एंजाइम होगा. सो दिस एंजाइम will digest acetylcholine. उसको वहां से रिमूव कर देगा ताकि नया मैसेज आ सके. इज दैट क्लियर? अनदर पॉइंट, अगर लगातार इंपल्स आती जाएगी तो एक टाइम के बाद वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स खत्म हो जाएंगे तो इंपल्स का आना बंद भी हो जाएगा, यानी सेंसेशन बंद हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैंने परफ्यूम पहनी है तो थोड़ी देर के बाद मुझे परफ्यूम की जो स्मेल आनी बंद हो जाती है, लेकिन दूसरे को पता लगता है कि हाँ परफ्यूम लगाई हुई है. इजंट इट? तो ये क्या है कि बार बार जब लाइक व्हेन आई विल वेयर द परफ्यूम आई एम कॉन्स्टेंटली स्मेलिंग इट. तो बार बार मेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स लगातार रिलीज हो के वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और एक टाइम के बाद मुझे स्मेल आनी बंद हो जाएगी, मुझे वो फीलिंग आनी बंद हो जाएगी. Is that clear? तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज हो रहा है जिससे कि वो एग्जॉस्ट हो गए. Is that clear? इसको कहते हैं साइनैप्टिक डिले. इसको क्या कहेंगे? सॉरी, इसको कहते हैं साइनैप्टिक फटीग. दिस इज नोन एज साइनैप्टिक फटीग. जैसे फटीग में क्या होता है, थकावट में एनर्जी खत्म हो जाती है, साइनैप्टिक फटीग में लगातार इंपल्सेस आके न्यूरोट्रांसमीटर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं. सो न्यूरोट्रांसमीटर्स एग्जॉस्टेड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस इंपल्स अराइवल. ठीक है, या अराइवल ऑफ इंपल्स. इज दैट क्लियर? डन. चलो, सो गाइज, ये था हमारा केमिकल साइनैप्स. अब दूसरा, ये आपका एनसीईआरटी की फिगर दी हुई है. सी, यू मस्ट नो एनसीईआरटी की फिगर्स. ये एग्जॉन है, एग्जॉन का टर्मिनल है, ये उसके अंदर वेसिकल्स दिए हुए हैं. और टर्मिनल की मेम्ब्रेन को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोला गया है. फिर ये गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट. और ये अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है. सो दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. और ये किसकी है? डेंड्राइट की. और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर्स. एंड सी, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स. क्लियर? नाउ दिस इज एनसीईआरटी का डायग्राम. नेक्स्ट आते हैं हम इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या होगा, एक न्यूरॉन जो है वो अगले न्यूरॉन के साथ एक्चुअली कंटैक्ट में होता है विद द हेल्प ऑफ अ
gap junction. So this is what? This is a gap junction. Right? What is this? This is presynaptic membrane. And the other one would be postsynaptic membrane. यहाँ पे क्लेफ्ट में क्लेफ्ट नहीं है, क्लेफ्ट की जगह पे क्या है? गैप जंक्शन प्रेजेंट है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. इज दैट क्लियर गाइस? सो व्हाट विल हैपन हियर? यहाँ पे जो इम्पल्स आ रही है वो फ्लो कर जाएगी अलोंग द वॉल्स ऑफ अलोंग द गैप जंक्शन एंड इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द सक्सेसिव न्यूरॉन. So it behaves like one common neuron. So electrical synapse में guys neurotransmitter की जरूरत नहीं पड़ेगी, neurotransmitter की जरूरत नहीं पड़ती है, not required. ठीक है, अब क्योंकि कोई neurotransmitter रिलीज नहीं होना है, कोई चक्कर नहीं है कि वो बाइंड करेगा फिर वो आगे ट्रांसमिट करेगा, तो यहाँ पे क्विक ट्रांसमिशन होती है, क्विक ट्रांसमिशन. बट ऐसे साइनाप्सिस हमारी बॉडी में काफी कम होते हैं, यूजुअली कौन से होंगे? केमिकल साइनाप्सिस रहते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑल राइट. सो गाइस दिस इज इलेक्ट्रिकल एंड द प्रीवियस वन वाज केमिकल साइनाप्स. केमिकल साइनाप्स में देखो आपको एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर कुछ लेंदी सा क्वेश्चन आ गया तो आपको अलग अलग स्टेप्स दिए जा सकते हैं एंड यू माइट बी आस्क्ड टू अरेंज द स्टेप्स. तो आपको वो ऑर्डर में पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ. लेट्स क्विकली रिवाइज इट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो सबसे पहले क्या हुआ है? अराइवल ऑफ इम्पल्स हुआ, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आई यहाँ पे टर्मिनल लॉब पे. ठीक है, और वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आने का मतलब इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन्स हुआ. क्लियर? देन सेकेंड क्या हुआ? कैल्शियम चैनल्स विल ओपन, कैल्शियम का इनफ्लक्स शुरू हो जाएगा. ये कैल्शियम जाके किसके साथ बाइंड करता है? साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ. देन वॉट विल हैपन? दिस कैल्शियम बाउंड वेसिकल्स यानी वो वेसिकल्स जिनके साथ कैल्शियम बाइंड हुआ है वो जाके फ्यूज करेगा विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ठीक है, और रिलीज कर देगा, एक्सोसाइटोसिस कर देगा न्यूरोट्रांसमिटर का इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. देन ये न्यूरोट्रांसमिटर्स बाइंड हो जाएंगे टू देयर रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द मैसेज विल बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. इज दैट क्लियर? ठीक है, और इसमें तो काम सीधा सीधा है कि अलोंग द वॉल्स ऑफ गैप जंक्शन वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा. क्लियर हो गया? चलो, तो जितनी जल्दी मैंने ये समझा दिया है उतनी जल्दी ये ट्रांसमिशन भी हो जाती है, और जितना टाइम उसको समझाने में लगा है तो याद रखना कि उसमें ट्रांसमिशन टाइम कंज्यूमिंग होती है. इज दैट क्लियर? चलिए, सो गाइज दैट वाज इट अबाउट द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम. अब हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे अपना नर्वस सिस्टम. सो वील एक्चुअली अंडरस्टैंड कि नर्वस सिस्टम के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं. चलो बिफोर डिलेइंग लेट्स स्टार्ट विद इट एंड देन वील सी वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे. सी, सो गाइस नर्वस सिस्टम जो है सबसे पहली चीज कि नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन था, सबसे पहला नर्वस सिस्टम जो है वो अराइज हुआ था इन सीलेंट्रेटा. याद है जब हमने न्यूरॉन्स की टाइप्स की थी तो आई टोल्ड यू कि सीलेंट्रेटा के अंदर सबसे पहले सेल अराइज हुआ था एंड दैट वॉज ए पोलर, जिसके कोई प्रोसेस नहीं थी. राइट, नो डेंड्राइट एंड नो एग्जॉन, इट वॉज जस्ट सेल बॉडी. तो वो सबसे पहले किसके अंदर आया था? सीलेंट्रेटा के अंदर. कैसा? ए पोलर न्यूरॉन. ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी कॉम्प्लिकेट होती गई, कॉम्प्लेक्स होती गई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती गई, ये सेल्स जो है ये सिस्टम में कन्वर्ट हो गए. और देखो आज का जो सिस्टम है, हमारे अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है. सी हियर, सो नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर इज पेरिफेरल. फाइन, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो थिंकर का काम करता है, ये सोचता है, ये डिसीजंस लेता है. इट इज थिंकर और द डिसीजन मेकर. आसपास जो भी हो रहा है वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना है, उसकी खबर सीएनएस तक पहुंचाओगे और सीएनएस डिसाइड करके फिर मैसेज पहुंचाएगा कि भाई ये करो या वो करो या ये ना करो. क्लियर? तो सोचने का काम, डिसीजंस लेने का काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी मींस बाउंड्री, सेंटर में होगा. ठीक है, और उसके आसपास जितनी भी नर्व्स हैं जो मैसेज सीएनएस तक पहुंचा रही हैं या यहां से मैसेज लेके जा रही हैं
उन सारी न्यूरॉन्स को, सॉरी सारी नर्व्स को क्या बोल दोगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. क्लियर? सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है गाइस. सीएनएस के अंदर आते हैं दो कंपोनेंट्स, वन इज योर ब्रेन एंड अदर इज योर स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के. ओवरऑल जो आपका नर्वस सिस्टम है, इसका ओरिजिन हमने किया था, इसका ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल. इकलौता सेल किया था हमने पिछले लेक्चर में जो एक्टोडर्मल ना होके मीजोडर्मल है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इज इट क्लियर कि विच ऑफ द सेल्स इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन? ऑल्दो मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड दैट नर्वस टिश्यू एंड द डिफरेंट सेल्स दे आर एक्टोडर्मल. इकलौता कौन सा सेल है जो मीजोडर्मल है? क्लियर? नाउ सी, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पता लग गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखते हैं. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एज आई टोल्ड यू कि क्या आएंगी? नर्व्स आएंगी. ठीक है, क्या आएंगी? नर्व्स आएंगी जो मैसेज कैरी करेंगी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो गाइस ये नर्व्स दो तरह की होती हैं, एक होती है एफरेंट, दूसरी होती है इफरेंट. ठीक है, नर्व फाइबर्स कौन से होंगे? एफरेंट नर्व फाइबर्स एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स. एफरेंट का काम होता है जो मैसेज कैरी करेंगे टुवर्ड्स सीएनएस, दे कैरी इंपल्स या मैसेज टू सीएनएस. ठीक है, और दूसरे होती हैं इफरेंट, ये मैसेज कैरी करेंगी अवे फ्रॉम सीएनएस. इज इट क्लियर? तो इनका क्या मतलब? देखो, इंपल्स अवे फ्रॉम सीएनएस. जैसे यहां पे कोई टच हुआ या गर्म चीज टच की, तुमने टच किया तो क्या होता है? या स्मेल आई, कोई भी स्टिमुलस, यहां से उस स्टिमुलस को कैरी करके लेके गई नर्व टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ब्रेन ने डिसाइड किया कि अच्छा ये होना चाहिए, तो वहां से मैसेज वापस आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो जो नर्व्स मैसेज लेके गई वो एफरेंट थी, जो उसका मैसेज वापस लेके आई वो कौन सी थी? इफरेंट नर्व फाइबर्स थी. इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसके अंदर दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, एफरेंट एंड इफरेंट. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम फर्दर दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक. डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन्स तक मैसेज जा रहा है. सोमैटिक नर्वस सिस्टम उनको कहेंगे, वो वाली एफरेंट या इफरेंट नर्व फाइबर्स जो आपके वॉलंटरी ऑर्गन्स तक मैसेज लेके जाती हैं, दे कैरी मैसेज या इम्पल्स टू वॉलंटरी मसल्स या वॉलंटरी ऑर्गन्स. ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गन्स का मतलब वॉलंटरी मसल्स तक. फाइन, और ऑटोनॉमिक जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स तक मैसेज कैरी करेंगी, कैरी मैसेज टू इंटरनल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स, उनको कह देते हैं ऑटोनॉमिक. ठीक है, अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी गाइस दो तरह की नर्व फाइबर्स आ जाएंगी. ठीक है, इसके अंदर भी दो तरह की नर्व फाइबर्स आएंगी. वी हैव हियर टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. एंड स्पाइनल नर्व्स, देखो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में. ठीक है, अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जो वॉलंटरी ऑर्गन्स तक लेके जा रही है, ठीक है, और जो मैसेज लेके आ रही है, डन. नाउ सी, वॉलंटरी मसल्स तक दे आर सोमैटिक. नाउ लिसन, अब वॉलंटरी मसल्स तक मैसेज जो ब्रेन से जा रहा है या ब्रेन तक आ रहा है, उन नर्व्स को बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स. जो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जा रहा है और वापस स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स. समझ में आया? तो जो वॉलंटरी मसल्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट करेंगी, क्रेनियल है. जो वॉलंटरी मसल्स को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करेंगी, स्पाइनल नर्व्स है. डन. चलो अब हम आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैन ऑल्सो बी फर्दर डिवाइडेड इंटू टू. ये होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड, नॉट इन योर कंट्रोल. ठीक है, अब देखो जो इमरजेंसी कंडीशंस में काम करता है, इमरजेंसी कंडीशंस में काम करेगा, उसको बोलेंगे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम. हमने पहले भी बहुत बार देखा है. ठीक है, और पैरासिंपथेटिक नॉर्मल कंडीशंस में काम करता है.
ब्रीदिंग रेट जो नॉर्मल कंडीशंस में कंट्रोल करेगा दैट इज पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो ब्रीदिंग रेट को भूत जब अगर आपने देख लिया ये एग्जामिनेशन हॉल से पहले, और कईयों के लिए तो कॉकरोच ही काफी होता है, कॉकरोच इज अ बिग इमरजेंसी फॉर सम पीपल स्पेशली गर्ल्स, नो यू नीड टू चेंज दैट गर्ल्स, बी स्ट्रांग, कॉकरोच से तो डरना बनता ही नहीं है ठीक है, बट है फैक्ट कई लोगों के लिए कॉकरोच एक इमरजेंसी होती है, तो उस टाइम पे जो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करेगा दैट विल बी योर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम. Is that clear? So I hope the classification is clear. Quickly revise करते हैं. तो nervous system के दो components, जो thinker है, जो decisions लेगा, central nervous system, that is your brain and spinal cord. अब इसके आसपास की जो nerves हैं, उनको हम बोल देते हैं peripheral nervous system. जो message towards CNS लेके जाएंगी, efferent होती हैं. जो वहाँ से message लेके आएंगी, वो efferent होती हैं. क्लियर. अब यही एफरेंट और इफरेंट नर्व्स अगर आपके वॉलंटरी मसल्स तक जा रही हैं तो उनको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे, अगर वो इंटरनल ऑर्गन्स तक जा रही हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे. इमरजेंसी में काम करेंगी तो सिंपथेटिक है, नॉर्मल सिचुएशंस में कंट्रोल कर रही हैं तो पैरासिंपथेटिक है. डन. और जो वॉलंटरी मसल्स तक मैसेज लेके जाती हैं गाइस, अगर वो ब्रेन से मैसेज लेके जा रही हैं या ब्रेन तक लेके जा रही हैं से या तक, तो उसको कहेंगे क्रेनियल, और अगर वो वॉलंटरी मसल्स को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करती हैं तो दे आर स्पाइनल नर्व्स. ठीक है. अब आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले स्टार्ट कर रहा है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वी विल स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ आ ब्रेन. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. एंड ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारा सीएनएस और पीएनएस का. देखो सेंटर में आपका ब्रेन, दिस इज योर ब्रेन राइट, एंड नीचे उसी की एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड. सेंटर में लाए कर रहा है, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर. अब यहां से अराइज होने वाली जो नर्व्स है, ये सारी नर्व्स पूरी बॉडी में जो फैली हुई है, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब अगर ये मैसेज टुवर्ड सीएनएस लेके जाती हैं तो ये एफरेंट कहलाएंगी, और अगर ये मैसेज अवे फ्रॉम सीएनएस लेके जाती हैं तो एफरेंट कहलाती. इज दैट क्लियर गाइस? डन. सो दिस इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. इसमें देखो क्रेनियल, स्पाइनल नर्व्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब हम पढ़ेंगे. सेंसरी एंड मोटर, ये क्या होता है, वील डिस्कस इट ऑल स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. क्लियर. विच एक्चुअली शेप्स आर पर्सनैलिटी. सो गाइज डू यू नो कि पैदा होने से पहले, लाइक बिफोर बर्थ, ब्रेन पहला स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले बनना शुरू होता है. सो सबसे पहले बनना ब्रेन शुरू हो जाता है, लेकिन कंप्लीट ये पैदा होने के बाद भी नहीं होता. टिल 18 ईयर्स ऑफ एज आपका ब्रेन बड़ा होता रहता है, डेवलप होता रहता है. माइंड की बात नहीं कर रही हूं, ब्रेन के डेवलपमेंट 18 साल तक चलती है. यू स्टिल हैव टाइम, सो यूज दिस टाइम. ठीक है. उसे अच्छी अच्छी आदतों के साथ नर्चर करो ताकि ब्रेन ढंग से डेवलप हो. इट हैज एक्चुअली बीन सीन, सीटी स्कैन्स कंडक्ट किए गए हैं उन लोगों के जो कि काफी क्रिएटिव होते हैं या फिर जो काफी हेल्दी हैबिट्स रखते हैं अपनी लाइफ में, रीडिंग, बीट एनी हॉबी. ठीक है. हेल्दी हॉबीज लाइक पेंटिंग, डांसिंग, एनीथिंग, लाइक जो अपने टाइम को अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने ब्रेन को किसी ना किसी तरह से डेवलप कर रहे हैं, उनका ब्रेन काफी डेवलप्ड, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट देखा गया है एज कंपेयर टू वेली जनता जो कि ब्रेन का कभी इस्तेमाल करती ही नहीं है. इज दैट क्लियर? दोनों के ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्लियरली डिफरेंसेस देखे गए हैं इन सीटी स्कैन्स. सो यू स्टिल हैव टाइम टिल 18 ईयर्स ऑफ एज, यूज इट, डेवलप इट. माइंड उसके बाद भी डेवलप होता है. अब ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है ये फिर कभी डिस्कस करेंगे. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. ठीक है. सो ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने से पहले प्रोटेक्शन की बात आएगी. ठीक है. तो देखो हर एक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया गया, तो प्रोटेक्शन ब्रेन की दो स्ट्रक्चर्स करने वाले. नंबर वन आपका स्कल, पढ़ा था हमने क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, राइट, ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम. कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर? क्रेनियम बोन्स कितनी होती हैं? सुनने से पहले सोच लिया करो. ठीक है. 8 क्रेनियल बोन्स वर प्रेजेंट, फ्रंटल, देन 2 पेराइटल्स, पीछे ऑसिपिटल, साइड पे टेम्पोरल्स, वी हैव रेड इट ऑल इन स्केलेटल सिस्टम, राइट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ा था.
सेकंड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं मेम्ब्रेन्स, ठीक है. नाउ दीज मेम्ब्रेन्स आर 3 इन नंबर एंड दीज मेम्ब्रेन्स आर नोन एज मेनिंजेस. व्हाट डू वी कॉल देम? मेनिंजेस, ठीक है. दीज आर 3 मेम्ब्रेन्स. जैसे हमने लंग्स के आसपास प्लूरा पढ़ा था, हार्ट के आसपास पेरिकार्डियम पढ़ा था, किडनी के आसपास हमने रीनल कैप्सूल पढ़ा था, राइट. उसी तरह से ब्रेन के आसपास जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये क्या है? मेनिंजेस हैं, ठीक है. तो अब देखो ब्रेन के आसपास प्रोटेक्शन होगी कैसे. सो लेट्स ड्रॉ दिस, एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे, ठीक है. सी दिस इज योर ब्रेन, क्लियर. नाउ सी ब्रेन के ऊपर ये मेनिंजेस हैं और उसके भी ऊपर प्रेजेंट है आपका ब्रेन बॉक्स. सो गाइज ये मेनिंजेस 3 हैं. देखो कौन कौन सी? ड्यूरा मेटर, इट इज नॉट मीटर, इट इज मेटर, ठीक है. नेक्स्ट इज रेकनॉइड एंड थर्ड इज पाया मेटर. गाइज मेटर का मतलब होता है मदर. मदर इज समवन हु प्रोटेक्ट्स, राइट. So there are 3 structures: duramator, arachnoid, and pyometer. ये outer है, ये middle है और ये inner है. और ये याद रखने के लिए याद क्या रखोगे? DAP. पहला question यहाँ पे भी आ सकता है कि arrange them in the correct order. Outside to inside is DAP. देख लेना question में क्या पूछा गया है. Done. Now see. तो pyometer ये soft होती है. तो पायामेटर सबसे अंदर है और ये ब्रेन के सरफेस के कंटैक्ट में होती है, ठीक है. हर तरफ से कवर करेगी. नाउ सी स्पाइनल कॉर्ड इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन. तो यही मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती है, सेम, ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड पे बाद में आते हैं. सो लेट्स कम बैक टू दिस मेनिंजेस. तो ब्रेन के सरफेस के साथ कौन सी प्रेजेंट है? पायामेटर, ठीक है. उसके बाद बीच में गैप होता है और प्रेजेंट होती है ये सेकेंड लेयर. दिस इज कॉल्ड अरेक्नॉइड, दिस इज नोन एज अरेक्नॉइड. ये वेब जैसी होती है, जाल बना होता है, स्पॉन्जी होती है, फाइन. उसके भी बाहर गाइस प्रेजेंट है ड्यूरामेटर. ये क्या है? ड्यूरामेटर है. ड्यूरा वर्ड का मतलब ड्यूरेबल, यानी टफ होगी. ये कोलाजन फाइबर्स की बनी होती है, ठीक है. दिस इज ड्यूरामेटर. समझ में आ रहा है? दिस इज ड्यूरामेटर. द सेकेंड वन वॉज अरेक्नॉइड, दिस इज अरेक्नॉइड. इसमें जाल बना होगा, नेटवर्क बना होता है, ठीक है. स्पॉन्जी होती है. और सबसे अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है? पायामेटर, क्लियर. अब ड्यूरामेटर के बाहर गाइस प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट होता है स्कल, ठीक है. यहां पे क्या प्रेजेंट है? दिस इज योर स्कल. तो ड्यूरामेटर किसके कंटैक्ट में है? स्कल के. पायामेटर किसके कंटैक्ट में है? ब्रेन के सरफेस में. इज इट क्लियर? सो लेट्स लेबल इट. दिस इज ड्यूरामेटर, दिस इज अरेक्नॉइड, दिस इज पायामेटर. डन. नाउ एज यू कैन सी देयर इज गैप इन बिटवीन. ये खाली नहीं है, ये जो स्पेसेस हैं ये फ्लूइड से भरी होती हैं. नाउ सी हियर, जो यहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस है, यानी ड्यूरामेटर के नीचे जो स्पेस है गाइस, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस. ड्यूरामेटर के नीचे सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है. और इसी तरह से अरेक्नॉइड के नीचे जो स्पेस है इसको कहेंगे सब अरेक्नॉइड स्पेस. सब मीन्स बिलो, सब अरेक्नॉइड स्पेस, क्लियर. अब ये दोनों स्पेसेस में फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं. सी कौन कौन से फ्लूइड्स हैं? दोनों में अलग है. यहां पे इंटरस्टीशियल फ्लूइड है, क्लियर. और सबअरेक्नॉइड स्पेस में फ्लूइड होता है सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. डू यू रिमेंबर कौन से सेल से जिन्होंने बनाया था? पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने, लेट मी नो, इससे पता लगता रहेगा और तुम भी ज्यादा ध्यान दोगे, ठीक है. और अगर नहीं पढ़ा है तो पिछला लेक्चर जरूर अटेंड करना गाइस, बिकॉज दैट वॉज द बेसिक ऑफ दिस थिंग व्हाट वी आर स्टार्टिंग नाउ. आई नो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन बेस के बिना पढ़ने का मजा तो नहीं आएगा, राइट. सो अटेंड दैट लेक्चर अगेन इफ यू डोंट रिमेंबर, और नहीं किया तो फिर तो करना जरूरी ही है. एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाने वाले कौन से सेल्स हमने पढ़े थे, ठीक है. चलो एक हिंट दे देती हूँ, उनके एक तरफ ब्रश बॉर्डर था और दूसरी तरफ सीलिया. ऐसा अनोखा सेल कभी कभी दिखता है, कहीं कहीं दिखता है. अदरवाइज या तो सेल में ब्रश बॉर्डर होता है या सीलिया होता है,
उस सेल में दोनों चीजें एक साथ थी. लेट मी नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेल. डन. नाउ सी, तो इस तरह से ये प्रोटेक्टेड है. बाहर स्कल हो गया, फिर डैप हो गया, एंड देन कम्स योर ब्रेन. ठीक है. और स्कल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? आपका स्कैल्प. और यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? फिर बाल. ठीक है. तो अगर ब्रेन तक पहुंचना है तो पहले तो हम बॉल्ड होंगे, बाल हटाए जाएंगे, फिर स्कैल्प यानी स्किन हटाई जाएगी, फिर हैमर के साथ बोन को तोड़ा जाएगा, स्कल तोड़ा जाएगा. ठीक है. और फिर नीचे से मेनिंजल्स को हटा के पहुंचेंगे हम अपने ब्रेन तक. क्लियर? ऑल राइट. सो गाइज, दिस इज प्रोटेक्शन. नाउ टॉकिंग लिटिल बिट अबाउट दीज मेनिंजल्स. देखो, मेनिंजल्स के बारे में हमने देखा, ड्यूरा मेटर. ये ड्यूरा का मतलब क्या है? टफ. एंड मेटर का मतलब क्या होता है? मदर. टफ मदर है. क्यों? क्योंकि ये कोलाजन फाइबर्स की बनी होती है, कोलाजनस होती है. इसके अंदर ब्लड बिल्कुल नहीं होता, ए वैस्कुलर होगी. एंड एज वी कैन सी इट फ्रॉम द डायग्राम, इट इज इन टच विद, इन कंटैक्ट विद योर स्कल. रेकनॉइड वेब लाइक होती है, जाल जैसी. तो ये स्पॉन्जी होगी, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगी. ठीक है. और जो पाया मेटर है गाइस, पाया का मतलब होता है सॉफ्ट, मेटर का मतलब मदर. ये सॉफ्ट मदर है. ठीक है. एज वी कैन सी हियर, इट इज इन कंटैक्ट विद द सरफेस ऑफ ब्रेन. एंड इसका काम होता है सिक्रीट करना CSF. ये लेयर भी CSF प्रोड्यूस करेगी. तो इसके नीचे सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर जो CSF प्रोड्यूस हो रहा है, वो पाया मेटर प्रोड्यूस कर रही है. मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि और कौन से सेल्स हैं जो CSF प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. क्योंकि गाइस, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसेस होती हैं. कह देते हैं ना कि भाई इसका तो दिमाग ही खाली है, बट पॉइंट ये है और असल बात ये कि सबके दिमाग के अंदर खालीपन है. ठीक है. यानी खाली स्पेसेस हैं, लेकिन वो पूरी तरह से खाली नहीं होती. वहां पे फ्लूइड भरा होता है, कईयों के घुसा भी भरा होता है. नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. लेकिन नॉर्मली, ठीक है, और बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली, ब्रेन के अंदर जो खाली स्पेसेस हैं उनको वेंट्रिकल्स कहा जाएगा. और उसके अंदर भी यही फ्लूइड भरा हुआ है. और उन वेंट्रिकल्स के अंदर वो सेल्स प्रेजेंट हैं जो मैंने तुमसे पूछे हैं, जो तुम्हें बताने, एक तरफ सीलिया है और एक तरफ ब्रश बॉर्डर. ठीक है. वी हैव रेड दैट. चलो. ऑल राइट. सो इज दिस क्लियर? ठीक है. तो ये प्रोटेक्शन हो गई ब्रेन की. और अब हम चलते हैं. हाँ जी, एक और चीज, पायामेटर जो है वो वैस्कुलर भी है, इसमें ब्लड सप्लाई भी होगी. डन. चलो, अब हम चलते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर पे. ना सी, ये आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, बट कुछ इस तरह से ओरिजिनल ब्रेन दिखाई देता है. ये सारा ब्रेन है. ये आपको लेबलिंग्स कुछ नहीं करनी. दिस इज वॉट आई हैव ट्राइड टू शो, कि ये बोन स्कल है और उसके नीचे ये देखो, ये दिख रही है ड्यूरा मेटर, राइट? तो ये मेनिंजल्स हैं, ये वाली, ये मेनिंजल लेयर्स दिख रही है. डन. चलो. ऑल राइट. सो नेक्स्ट वी कम ऑन टू द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. सो ओवरऑल जो ब्रेन है गाइस, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. क्लियर? अब फोर ब्रेन के अंदर देखो कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं. सो फोर ब्रेन के अंदर तीन कॉम्पोनेंट्स आएंगे. वी हैव सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा पार्ट है. यहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट ये ऑरेंज दिख रहा है, दिस इज सेरिब्रम. और ये किसके अंदर है? फोर ब्रेन के अंदर. इसके बाद यहाँ होती हैं ऑल्फैक्ट्री लोब्स, जो यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही. ठीक है. ऑल्फैक्शन वर्ड इज फॉर स्मेल. तो वो सेंस ऑफ स्मेल जनरेट करता है. एक्चुअली इसके नीचे छुपी होती हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स. ये होते हैं ऑल्फैक्ट्री लोब्स. एंड देन वी हैव थर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड डायएनसेफलॉन. सो गाइस, सबसे पहले तो तुम्हें इनके कैटेगराइजेशन पता हो, कौन कौन सा पार्ट किस किस रीजन में आएगा. तो फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, ठीक है, जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट. फिर ऑल्फैक्ट्री लोब्स एंड डायएनसेफलॉन आएगा. देन मिड ब्रेन के अंदर वी हैव टू कॉम्पोनेंट्स, क्रूरा सेरिब्राए. नाम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट मजेदार ऑर्गन है. ठीक है, मजेदार पार्ट है क्रूरा सेरिब्राए. एंड देन वी हैव कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. ये मुझे ज्यादा मजेदार लगता है. ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम करता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. चलो. सो नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन. एंड हाइंड ब्रेन के अंदर गाइस अगेन तीन कॉम्पोनेंट्स हैं. और ये तीन कॉम्पोनेंट्स हैं आपके पॉन्स वेरुलाए. पॉन्स वेरुलाए हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था. यहाँ पे ब्रीदिंग सेंटर्स प्रेजेंट थे, न्यूमोटैक्सिक एंड एपनिस्टिक सेंटर्स, राइट? एंड देन वी हैव मेडुला ऑब्लोंगाटा.
ये भी नाम आपने बहुत बार सुना होता है, मोस्टली इनवॉलंटरी सेंटर्स यहाँ पे कंट्रोल, मोस्टली इनवॉलंटरी जो एक्शंस हैं उनका ये सेंटर रहता है. रिमेंबर हार्ट का सेंटर था, वॉमिट सेंटर भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रीदिंग सेंटर भी यहाँ पे हमने पढ़ा था, डोर्सल इंस्पायरेटरी ग्रुप एंड रेस्पिरेटरी ग्रुप, रिमेंबर. एंड देन वी हैव सेरिबेलम. ये सेरिबेलम, इसके बारे में लोगों को जनरली जानकारी होती है ना. सेरिबेलम, सेरिबेलम का मतलब होता है जस्ट लाइक सेरिब्रम. इसका स्ट्रक्चर बहुत हद तक सेरिब्रम जैसा होगा, वी विल सी. और ये सेरिबेलम हमारा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट जो आपका बैलेंस मेंटेन करेगा, पोस्चर मेंटेन करेगा, दैट इज योर सेरिबेलम. इज दैट क्लियर? चलिए, सो नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इन डिटेल. ठीक है, एक एक करके देखते हैं इनका क्या रोल है. चलो, सो गाइज वी आर स्टार्टिंग विद फोर ब्रेन. और फोर ब्रेन के अंदर देखो, सो दिस होल एरिया, दिस होल ऑरेंज पार्ट इज द फोर ब्रेन. ये बीच में जो ग्रीन वाला रीजन है, दिस इज मिड ब्रेन. एंड ऑल द येलो पोर्शन इज हाइंड ब्रेन. ठीक है, और हमें पता है कि हाइंड ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन के अंदर और कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स है. तो पहले तो तुम्हें वो अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए. डन, चलिए आगे चलते हैं. अब हम फोर ब्रेन को स्टार्ट करेंगे इन डिटेल. तो आई टोल्ड यू फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है सेरिब्रम, विच इज नंबर वन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. ठीक है, दूसरी चीज गाइस, सेरिब्रम जो है ये दो हिस्सों का बना होता है. इसके अंदर होते हैं दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. और इसका स्ट्रक्चर कुछ अखरोट जैसा है, वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, वॉलनट, अखरोट सबने खोला है. ठीक है, तो जब हम अखरोट को तोड़ते हैं तो तुम्हें दो हेमिस्फीयर्स नजर आते हैं, दो हेमिस्फीयर्स नजर आते होंगे, है ना. तो इसी तरह से जब हम ये स्कल मेनिंजर्स ये सब कुछ हटा देते हैं तो ऊपर से देखने पे ना दो ऐसे हेमिस्फीयर्स नजर आते हैं. इन दो हेमिस्फीयर्स को हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. ठीक है, और ऊपर से अगर हम देखेंगे तो जैसे ये दो हाथ दो हेमिस्फीयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तुम्हें बीच में गैप नजर आ रहा है, ऐसे ही ऊपर से देखने पे बीच में गैप नजर आता है. ठीक है, एक गड्ढा होता है, लॉन्गिट्यूडनल फिशर. और तुमने सुना होगा कभी ना कभी कि राइट साइड कंट्रोल करती है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन करता है कंट्रोल राइट साइड ऑफ द बॉडी को. ये बिल्कुल सही है. ठीक है, क्रिस क्रॉस होती है हमारी नर्व्स. तो और ब्रेन ऊपर से ना स्मूथ नहीं होता, रफ सा होता है, राइट. जैसे वॉलनट, अखरोट जैसे ऊपर से स्मूथ नहीं होता, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है. और गाइस जितनी वो रफनेस होती है ना, वो रफनेस नहीं है, वो बेसिकली फोल्ड्स है. ठीक है, और फोल्ड्स इसलिए हैं ताकि इस छोटी सी स्पेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा नर्व्स अकोमोडेट की जा सके. और गाइस कहते हैं कि जितना बड़ा ब्रेन हो वो ज्यादा इंटेलिजेंस का साइन होता है, जो काफी हद तक सही भी है. वो अलग बात है कि तुम इस इंटेलिजेंस को यूज करो ना करो, दैट इज ऑलवेज अ चॉइस ऑफ योर्स, बट एटलीस्ट यू आर गिफ्टेड विद दैट. एंड सेकेंडली, तुम जितना ब्रेन यूज करते हो, मसल्स और ब्रेन इनमें एक सिमिलैरिटी है, जितनी यूज करो उतनी डेवलप होती है. सी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू रेस्ट एज वेल. ठीक है, लेकिन जब यूज करो तब अच्छा इस्तेमाल करो और ज्यादा इस्तेमाल करो. ठीक है, तो जितना भी तुम उसका सही इस्तेमाल करते हो वो फोल्ड्स बढ़ते रहते हैं. ठीक है, फोल्ड्स बढ़ने का मतलब उनके अंदर नर्व्स का अमाउंट ज्यादा है तो इंटेलिजेंस ज्यादा माना जाता है. नाउ लिसन, तो ये वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रेन का सेरिब्रम कुछ इस तरह के फोल्ड्स शो करता है ऊपर से. ठीक है, सो ये ऐसे बनाते हैं हम. तो ये सारे क्या है, ये फोल्ड्स हैं, ये सारे फोल्ड्स हैं. इन फोल्ड्स को कहते हैं कॉन्वोल्यूशंस. क्या कहेंगे? कॉन्वोल्यूशंस. ये कॉन्वोल्यूशंस या फोल्ड्स सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. दे इंक्रीज द सरफेस एरिया टू अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स. और जितनी कॉन्वोल्यूशन ज्यादा, मानते हैं कि उतनी इंटेलिजेंस ज्यादा होती है. इज इट क्लियर? नाउ सी, अब ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं गाइस, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एज आई सेड, ये ऊपर से अगर हम देखें, ऊपर से अगर हम देखेंगे तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में एक गड्ढा है. तो दे आर सेपरेटेड, ऊपर वाली साइड से सेपरेटेड ऑन द सुपीरियर साइड. सुपीरियर मीन्स ऊपर, सुपीरियर साइड बाय लॉन्गिट्यूडनल फिशर, लॉन्गिट्यूडनल फिशर. नाउ दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट.
ठीक है गाइस, आज हमने ब्रेन कंप्लीट करना है और लास्ट में एज यूजुअल वील हैव अ क्विज, ठीक है? चलो, सो वी दीज टू आर सेपरेटेड, लेकिन नीचे वाली साइड से देखो. सो ये हाथ आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, एंड आई टोल्ड यू कि ऊपर से ये सेपरेटेड है, ठीक है? बीच में गड्ढा नजर आ रहा है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल फिजर. लेकिन अगर नीचे से देखो तो नीचे से कनेक्टेड होते हैं, नीचे से कनेक्टेड है. सो माई थंब रिप्रेजेंट्स अ कनेक्शन. ऊपर से सेपरेटेड है, नीचे से कनेक्टेड है, ठीक है? राइट साइड लेफ्ट को कंट्रोल करेगी, लेफ्ट साइड राइट साइड को कंट्रोल करेगी, लेकिन दोनों साइड्स को एक दूसरे का खबर तो रहती है, यानी कि आपस में इनकी कोई कम्युनिकेशन तो होती है. तो वो कम्युनिकेशन कहाँ से होगा? नीचे से, ठीक है? सो राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, दे आर कनेक्टेड फ्रॉम द नीचे वाली साइड, इंफीरियर साइड, एंड दिस बैंड ऑफ नर्व्स जो इनको कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. सो इट इज कनेक्टेड ऑन द इंफीरियर साइड, सेपरेटेड है सुपीरियर साइड पे, कनेक्टेड है नीचे वाली साइड पे बाय वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम, ठीक है? और कॉर्पस कैलोसम की खास बात ये कि ये सिर्फ मैमेलियन ब्रेन के अंदर होता है. तो अगर आपके सामने एक ब्रेन रख दिया जाए तो एटलीस्ट ये कॉर्पस कैलोसम देख के आप बहुत इजीली बता सकते हो कि ये मैमल का है, और अगर नहीं होगा तो वो मैमल का नहीं है. इज इट क्लियर? नाउ सी इन द स्ट्रक्चर, देखो ये सारा, ये फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, ये सारे क्या है? कॉन्वोल्यूशंस हैं. दीज आर द फोल्ड्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये स्मूथ नहीं होता, अखरोट जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है? नाउ सी इसके नीचे गाइस, ये जो मैं रेड में बना रही हूं, नाउ दिस इज दैट बैंड, दिस इज दैट बैंड ऑफ नर्व जो दो हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करती है, और इस बैंड को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. क्या बोलेंगे? कॉर्पस कैलोसम. इज दैट क्लियर? नाउ अनदर थिंग, ये जो ऊपर सारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर चार लोब्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है? इधर भी चार, इधर भी चार, टोटल एट हो गई. फाइन, नाउ सी, सो ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स. ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स. इसकी चार लोब्स होती हैं, ठीक है? इन ईच हेमिस्फीयर. तो सी हियर, नाउ दिस, सो कैन वी सी कलर डिस्टिंक्शन, ठीक है? तो रेड रिप्रेजेंट करता है फ्रंटल लोब को, दिस इज द फ्रंटल लोब. दिस ब्लू पार्ट पेराइटल, ये पीछे वाला ऑसिपिटल, और इधर है टेम्पोरल. साइड्स वाला टेम्पोरल, आगे से यहां तक फ्रंटल, ये पीछे पेराइटल, और सबसे पीछे हाइंड रीजन पे क्या होगा? ऑसिपिटल, ठीक है? नाउ सी, हर एक लोब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ये आपको याद करने हैं. अब जितना भी आपका इंटेलिजेंस है, यानी आपके दिमाग का जो आइंस्टीन है, न्यूटन है, ठीक है, डी ब्रोगली, ये जितने भी है ना, ये लोग कौन सी लोब में बैठे हुए हैं? ये आपका आइंस्टीन किस लोब में बैठा हुआ है? फ्रंटल लोब में. इंटेलिजेंस, थिंकिंग, ठीक है, मेमोरी, मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट्स कौन कंट्रोल करता है? आपका फ्रंटल लोब. जितनी क्रिएटिविटी है, कैलकुलेशंस है, मैथमेटिकल स्किल्स, ठीक है, जजमेंट, समझदारी, ठीक है, सूझबूझ, ये मॉरल जजमेंट, मॉरल सेंस कि क्या करना सही रहेगा क्या नहीं, ठीक है, तो वो सारी चीजें कौन डिटरमिन करता है, कौन कंट्रोल करता है? योर फ्रंटल लोब. डन. पेराइटल लोब लैंग्वेज और टच के साथ रिलेटेड होता है, तो सेंसरी रिसेप्शंस यहां पे होती हैं. सेंसरी रिसेप्शंस स्मेल की, ठीक है, ऐसी जो रिसेप्शंस है वो कहां पे हो रही है? पेराइटल लोब के अंदर. ऑसिपिटल लोब के अंदर विजन कंट्रोल होती है, कलर परसेप्शन कंट्रोल होती है. देखो दो आंखें, दोनों आंखों से एक एक ऑप्टिक नर्व राइज होगी और बिल्कुल पीछे जाएगी, तो याद रख लेना, ठीक है? दो आंखें, दिस इज आई, तो आंख के पीछे से ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है? तो मैं आंख में नहीं मारना चाहती, तो ये क्रिस क्रॉस होके बिल्कुल पीछे ऑसिपिटल रीजन में जाएगी, तो यहां पे विजन का एरिया होता है, ठीक है? तो यहां पे चोट लगने से, हाइंड रीजन पे चोट लगने से ब्लाइंडनेस हो सकती है. Are you getting this? So now see, and last not the least, we have temporal lobe. तो temporal lobe, हमने temporal bone पढ़ी थी guys, movement and locomotion में. Do you remember? Cranial bone में से एक थी temporal, ये side वाली, जिसके अंदर हमने कहा था कि कान भी उसी bone में fit होता है, temporal bone के अंदर. तो यहां से याद रखना कि जो hearing का area है, ठीक है, वो भी कहां पे होगा? temporal lobe में होगा. ear is in temporal bone और hearing का जो area है that is in temporal lobe. clear हो गया?
हियरिंग का, लर्निंग का, फीलिंग्स का, मेमोरीज का भी. एक्चुअली मेमोरी का मैक्सिमम जो रोल है दैट इज प्लेड बाय टेम्पोरल. वैसे मेमोरी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना, बट टेम्पोरल को हम ये ज्यादा क्रेडिट देते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब दो एरियाज याद रखना. एक होता है ब्रोकाज एरिया, ये फ्रंटल लोब में मिलेगा, और एक होता है वर्निकीज एरिया, ये आपको टेम्पोरल लोब में मिलेगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए बता रही हूँ, सारे तो आपके सिलेबस में है नहीं, वरना ब्रेन इज सुपर कॉम्प्लिकेटेड. नाउ सी, इस ब्रोकाज एरिया वॉलंटरी मूवमेंट्स, हमने पढ़ा था ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है ना, फ्रंटल लोब. तो बोलना, स्पीच प्रोडक्शन, ठीक है, बोलना वॉलंटरी मूवमेंट है, राइट. तो ये जो बोलने का काम है, स्पीच प्रोडक्शन का काम है, ये फ्रंटल लोब का कौन सा एरिया कंट्रोल कर रहा है? ब्रोकाज एरिया, इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ब्रोकाज एरिया. ठीक है, तो बीबी से याद रख लेना, बोलने के लिए ब्रोकाज एरिया चाहिए. अगर ब्रोकाज एरिया में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई गड़बड़ आ जाए, तो स्टैमरिंग हो सकती है. क्लियर? और जब, यानी मेरा क्या काम कर रहा है? ब्रोकाज एरिया, तुम सुन के समझ रहे हो. तुम्हारा इस वक्त वर्निकीज एरिया काम कर रहा है, यानी सुनने का काम टेम्पोरल लोब में, ठीक है, और उस सुन के उस चीज को समझने का काम वर्निकीज एरिया. तो सुनना और समझना टेम्पोरल लोब के अंदर होगा. तो वर्निकीज एरिया स्पीच अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रीहेंशन में पार्टिसिपेट करेगा, और ये स्पीच प्रोड्यूस करने में करेगा, स्पीच प्रोडक्शन. ठीक है, ब्रोकाज बोलने में, और ये समझने में काम करता है. सो बीबी बस याद रख लेना, दूसरा तुम्हें ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा बी से, ये बोलने में, बोलने के काम आता है, बोलना. ठीक है, तो बोलने में काम आएगा, कुछ ऐसे याद रख लेना. इज दैट क्लियर? चलो, सो दीज आर द फोर लोब्स, ये चार इस एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, चार दूसरे की तरफ है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज गाइस ऑल्फैक्टरी लोब्स. सो आई टोल्ड यू कि हमारे फोर ब्रेन के अंदर सबसे बड़ा पार्ट था सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी सेरिब्रम. ठीक है, और दूसरा एरिया कौन सा है? ऑल्फैक्टरी लोब्स. ऑल्फैक्शन इज ऑलवेज रिलेटेड टू स्मेल. ठीक है, ऑलवेज रिलेटेड टू स्मेल. और ये दो होते हैं लोब्स. ठीक है, कितने होते हैं? दो होते हैं. स्मेल से रिलेटेड है ये ऑल्फैक्शन. कहते हैं कि जिसके अंदर ये ऑल्फैक्टरी लोब्स जितनी डेवलप्ड होंगी, उसकी सेंस ऑफ स्मेल उतनी अच्छी होती है. यानी मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो ज़्यादा शार्प होती है. और अगर हम ओवरऑल एनिमल्स में देखें तो डॉग्स की कितनी शार्प सेंस ऑफ स्मेल है, फिर डॉल्फिन्स की, यू नो, व्हेल्स, शार्क्स की, नॉट व्हेल्स, शार्क्स, डॉल्फिन्स, इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत शार्प होती है, राइट, बिकॉज दे हैव मोर डेवलप्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स एज कम्पेयर टू वी ह्यूमंस. ठीक है, और ह्यूमंस में फीमेल्स की ज़्यादा मानी जाती है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ठीक है, नाउ सी, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स गाइस कहाँ पे प्रेजेंट है? हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, है ना, दीज आर योर नॉस्ट्रिल्स और ये नेजल चैम्बर. और मैंने यहाँ पे तुम्हें करवाया था, यहाँ पे हमारी ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम होती है ना, हवा के साथ केमिकल्स, ये हवा के साथ केमिकल्स जा रहे हैं और केमिकल्स जाके इस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं. दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम, नेजल चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है, राइट, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम. एंड आई टोल्ड यू कि ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम से बिल्कुल स्टार्ट होते हैं बायपोलर न्यूरॉन्स, पढ़े थे हमने, जिनकी एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है, रिमेंबर. तो यहां से न्यूरॉन्स सीधे जाते हैं गाइस ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर, ये दिस इज ऑल्फैक्टरी लोब. ठीक है, ये बना रही हूं एक ऑल्फैक्टरी लोब, एक दूसरी साइड पे होगी, लेट्स डार्कन इट ताकि क्लियरली पता लगे. सो दिस इज ऑल्फैक्टरी लोब. कैसी शेप है इसकी? स्पून शेप्ड स्ट्रक्चर. सो इट हैज अ स्पून शेप्ड स्ट्रक्चर या क्लब शेप्ड. क्लब कहते हैं जिससे गोल्फ खेलते हो, स्पून शेप्ड या क्लब शेप्ड. इज दैट क्लियर? एंड इट इज रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल. तो ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होती है ऑल्फैक्टरी लोब्स. ठीक है, और यहां से फिर नर्व्स होते होते ब्रेन के अंदर जाती हैं, और वहां पे फिर वो बिल्कुल याद रहने के लिए, देखो स्मेली अच्छी लगी तो वो उसके बाद याद रखने के लिए, मेमोरी के लिए कहां पे जाएगा? आपके टेम्पोरल के अंदर,
मैक्सिमम मेमोरी का हमने क्रेडिट किसको दिया है, टेम्पोरल को दिया है. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां से होते हुए नर्व्स जाएंगी. डन. चलो, सो इतना सा रोल बताना था ऑल्फैक्टरी लोब्स का. एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन. नाउ थर्ड पार्ट इज डायनसेफलॉन. नाउ लिसन, इस डायनसेफलॉन जो है ये ऐसा पार्ट है फोरब्रेन का जो कि बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं नजर आता. ठीक है, तो ये जो रेड और ग्रीन नजर आ रहा है ना तुम्हें, इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं डायनसेफलॉन. क्या है बताऊंगी अभी. नाउ लिसन, ये ऐसा सा स्ट्रक्चर है, यानी दो ओवल बॉडीज होती हैं, फाइन, और उसके ऊपर नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मिलके कहलाते हैं डायनसेफलॉन. और सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स ने इनको हर तरफ से घेरा होता है. सो दे आर इनक्लोज्ड बाय द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, तो बाहर से नहीं नजर आते, ऐसे कट करोगे तो नजर आएगा. ठीक है, नाउ दिस इज डायनसेफलॉन. तो डायनसेफलॉन के अंदर गाइस तीन कॉम्पोनेंट्स हैं. वन इज हाइपोथैलेमस, सेकेंड इज थैलेमस, एंड देयर इज थर्ड पार्ट ऑल्सो, दैट इज एपिथैलेमस. ठीक है, वैसे अगर एडवांस्ड हम करें तो एक सब थैलेमस भी होता है, पर हमें नहीं करना है. ठीक है, सो देखो, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड एपिथैलेमस. दीज आर द थ्री मेन रीजन्स ऑफ डायनसेफलॉन. दीज आर द पार्ट्स ऑफ डायनसेफलॉन. एंड डायनसेफलॉन जो है, दिस इज इंक्लोज्ड बाय सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, इंक्लोज्ड बाय सेरिब्रम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. क्लियर? अब इनके कॉम्पोनेंट्स के फंक्शंस देखते हैं. देखो, सबसे पहले थैलेमस की बात करूंगी. ठीक है, थैलेमस जो है, ये जो रेड कलर में बनाया हुआ है, ये थैलेमस जो है गाइस, ये दो ओवल बॉडीज होती है. सो प्लूरल क्या हो गया, थैलेमाए. सो थैलेमाए आर बेसिकली टू ओवल बॉडीज, और ये रिले सेंटर का काम करती है. रिले सेंटर क्या होता है, रिले सेंटर मीन्स जहां से होके आगे ट्रांसमिशन होनी है इम्पल्सेस की, मैसेज की. सो नीचे वाले पार्ट से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ऊपर की तरफ भेजना कहां से जाएगा, थैलेमस से होके. ऊपर से मैसेजेस नीचे के साथ कोऑर्डिनेट करने हैं लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, तो किसके थ्रू होके जाएगा, थैलेमाए के ऊपर. सो इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर. इज इट क्लियर? रिले रेस तो बचपन में सबने खेली है. तो रिले रेस में क्या होता है कि एक से पहले स्टिक तुम दूसरे को पकड़ाते हो, फिर वो पकड़ के भागता है, फिर वो आगे पकड़ाता है, यानी कि बीच में कोई है जो पहले मैसेज को पकड़ेगा फिर अगले पार्ट को देगा. सो दिस एक्ट्स एज अ रिले सेंटर. डन. दो ओवल बॉडीज होती है. अब उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, एंड देन वी हैव एपिथैलेमस. एपी का मतलब ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे. तो देखो, रेड के नीचे है ये ग्रीन, तो थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस के ऊपर कहीं होता है एपिथैलेमस. क्लियर? सो मान लो कि यहां पे प्रेजेंट है एपिथैलेमस, दिस इज द रूफ ऑफ थैलेमस, दिस इज एपिथैलेमस, और नीचे ग्रीन वाला पार्ट क्या होगा, हाइपोथैलेमस. ठीक है, एपिथैलेमस पहले बताती हूं क्योंकि छोटा सा फंक्शन है इसका. नॉन नर्वस पार्ट है. ठीक है, ये कोई नर्व इम्पल्स वगैरह कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा, कोई ऐसे एक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहा. ये पाया मेटर के साथ मिलके सिक्रीट करता है CSF. इट सिक्रीट्स CSF अलोंग विद पाया मेटर. यस, पाया मेटर वही है सॉफ्ट मदर, यानी वन ऑफ द मेनिंजेस, जो सबसे अंदर वाली मेनिंज थी. डैप याद किया था, ड्यूरामेटर, अरेकनॉइड, पायामेटर. पायामेटर ब्रेन के अंदर घुसती है दो जगह पे, एक यहां एपिथैलेमस में और एक मेडुला वाले रीजन में, और दोनों के अंदर जाके वो एक नेटवर्क सा बनाती है और सिक्रीट करती है CSF. इज इट क्लियर? सो थैलेमस की जो रूफ है वहां पे बेसिकली पायामेटर पहुंच रही है, और दोनों मिलके क्या बना रही है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. टोल्ड यू, ब्रेन के अंदर खाली स्पेसेस हैं जिसमें फ्लूइड भरा होगा, राइट? और गाइस, ये फ्लूइड का काम क्या होता है, बाय द वे डिस्कस किया था हमने, ये फ्लूइड न्यूट्रिशन पहुंचाएगा. ये 1.5 किलो जो है, ये आपको बहुत लाइट फील कराता है, फ्लूइड है तो बॉयंसी प्रोवाइड करेगा ही, राइट? सो दीज आर द फंक्शंस प्लेड बाय द CSF. कौन कौन सिक्रीट कर रहा है, पायामेटर अलोंग विद एपिथैलेमस. क्लियर? तो यहां पे फ्लूइड सिक्रीट किया जाएगा, इसका नर्वस रोल नहीं है. डन. नाउ कमिंग ऑन टू हाइपोथैलेमस. नाउ सी, हाइपोथैलेमस गाइस कनेक्टिंग लिंक है.
बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत बार बोल चुकी हूँ कि बॉडी के अंदर दो सिस्टम्स हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, वन इज नर्वस सिस्टम एंड अदर इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों का हिस्सा है, तो ये हॉर्मोन्स भी बनाता है और ये नर्वस रोल भी प्ले करेगा। सो इट इज बोथ एंडोक्राइन, इसका एंडोक्राइन रोल भी है, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये हॉर्मोन्स, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। यहाँ पे आई विल टेल यू कि ये न्यूरल रोल कौन सा प्ले करता है। सो नेक्स्ट इज अ न्यूरल रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। पॉइंट नंबर वन, हाइपोथैलेमस इज द वन विच मेंटेन्स योर बॉडी टेम्परेचर टू बी एट 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर गर्मी हो सर्दी हो, हीट तो फ्लो करेगी, फिजिक्स हर जगह पहुंच जाती है ना। अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो टेम्परेचर हमारे, यानी वो हीट हमारी बॉडी में आएगी। बाहर अब ठंड है तो हमारी हीट बाहर फ्लो करेगी, लेकिन अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रखने का काम किसने लिया है, जिम्मा किसने लिया है, आपके हाइपोथैलेमस ने। तो ये आपके टेम्परेचर को स्टैटिक रखता है, सो वी कॉल इट थर्मोस्टैट, या रेगुलेट करता है, सो वी ऑल्सो कॉल इट थर्मो रेगुलेटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर अंदर हीट इकट्ठी हो गई तो उस हीट को बाहर निकालने के लिए स्वेटिंग करवाएगा, इज दैट क्लियर। तुम्हें प्यास लगेगी तो प्यास को क्या कहते हैं, थर्स्ट, ठीक है। तो थर्स्ट सेंटर भी यहीं पे है, राइट। उसके बाद सर्दी लग रही है तो भूख, सर्दियों में ज्यादा लगती है बिकॉज एनर्जी चाहिए, हीट प्रोड्यूस करनी है, तो भूख ये लगवाएगा। अब खाते नहीं जाना, पेट भर गया तो वो फुलनेस वाली फीलिंग भी यही दिलाएगा, ठीक है। तो स्वेटिंग सेंटर, थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर, सेटाइटी सेंटर, सेटाइटी कहते हैं पेट भर गया वो वाली फीलिंग, ठीक है। ये सारे सेंटर्स कहाँ पे हैं, हाइपोथैलेमस में है। यहाँ तक कि इट इज ऑल्सो गोइंग टू कंट्रोल सर्टन इमोशंस लाइक सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, सेंटर फॉर सेक्सुअल डिजायर। देखो लास्ट में मैं तुम्हें एक लिम्बिक सिस्टम करवाऊंगी। लिम्बिक सिस्टम होता है इमोशनल ब्रेन, यानी वो पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स जो पूरे ब्रेन में बिखरे हुए हैं, मेजरली इन द मिड ब्रेन, ठीक है, जो अलग अलग तरह की इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। सो हाइपोथैलेमस इज अ मेंबर ऑफ दैट इमोशनल ब्रेन ऑल्सो, इज दैट क्लियर। चलो सो गाइज, ये था हमारा डायनसेफलॉन, जिसमें कि एक हमने देखा हाइपोथैलेमस, दूसरा थैलेमस, एंड थर्ड इज द एपिथैलेमस, इज दैट क्लियर। सो दिस वॉज डायनसेफलॉन एंड विद दिस फोर ब्रेन इज ओवर डन। चलो आगे आते हैं मिड ब्रेन पे। अब ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, मिड ब्रेन। अब इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। सो आई टोल्ड यू मिड ब्रेन के अंदर दो कॉम्पोनेंट्स हैं, वन इज क्रूरा सेरिब्राई विच इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल पिडंकल्स, ठीक है, और एक दूसरा होगा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। नाउ लिसन, अगर मैं इस तरह से खड़ी हूं, ठीक है, तो ये मेरी वेंट्रल साइड है, तो वेंट्रल साइड पे, मिड ब्रेन के वेंट्रल साइड पे गाइस प्रेजेंट होता है क्रूरा सेरिब्राई। सो कैन यू सी इट हियर, ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन, दिस इज ऑल, ये जितना भी रीजन है इसको मैं रेड से मार्क कर रही हूं, दिस इज ऑल क्रूरा सेरिब्राई, दिस इज क्रूरा सेरिब्राई, ठीक है, ये सारा रीजन, दिस इज ऑल क्रूरा सेरिब्राई, ठीक है। कौन सी साइड पे है, वेंट्रल साइड पे है। तो पॉइंट नंबर वन, इट इज वेंट्रल, मिड ब्रेन की वेंट्रल साइड पे। सेकंड, ये भी थैलेमस की तरह रिले सेंटर का ही काम करेगा, तो मैसेज ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इनके थ्रू होके जाते हैं, ये भी रिले सेंटर की तरह काम करेगा। इट विल कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, अपर विद द लोअर एंड द वाइस वर्सा, इज दैट क्लियर। सो दिस इज क्रूरा सेरिब्राई और सेरिब्रल पीडंकल्स। अब इसकी डोर्सल साइड पे, यानी पीछे वाली साइड पे, तो आगे वाली साइड पे मुझे क्या नजर आता है, क्रूरा सेरिब्राय या सेरिब्रल पिडंकल्स। पीछे से अगर मैं देखूंगी, यहां पीछे डोर्सल साइड से, तो नजर आएंगे ये स्ट्रक्चर्स नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पस का मतलब बॉडी, क्वाड्रा वर्ड का मतलब फोर, ठीक है। तो ये ओवल बॉडीज होती हैं और चार हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये डोर्सल साइड से दिखाया गया है। नाउ सी दिस डायग्राम इज वेरी यूजफुल। ये दिख रहा है, ये क्या है, सेरिब्रम, दिस इज सेरिब्रम,
सी इट इज रिटन हियर, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये राइट है, तुम्हें ऊपर से एक गड्ढा नजर आ रहा है, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल फिजर. टोल्ड यू को दो हेमिस्फीयर के बीच में एक गड्ढा होगा, ऊपर से सेपरेटेड होते हैं. सो दिस इज दैट लॉन्गिट्यूडिनल फिजर दैट आई वॉज टेलिंग यू, लॉन्गिट्यूडिनल फिजर, दिस लॉन्गिट्यूडिनल फिजर. फिजर मीन्स गहरा गड्ढा, ठीक है. नासी, अब ये पीछे से देख रहे हैं गाइस, तो पीछे से देखने पे डोर्सल साइड पे तुम्हें कुछ बॉडीज नजर आएंगी. नासी हियर, ये बॉडी नजर आ रही है, ये ओवल बॉडीज हैं, ठीक है. ये जो मैं पर्पल में मार्क कर रही हूँ ये ऊपर है, और जो मैं नीचे व्हाइट में मार्क कर रही हूँ, क्लियर, ये चार बॉडीज हैं गाइस, ठीक है. सो अभी इन चार बॉडीज के नाम देखो. ऊपर वाले को, इन बॉडीज को कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, चार है क्वाड्री जेमिना बॉडीज, ओवल बॉडीज. ऊपर वालों को कहेंगे सुपीरियर कॉलिकुलस, दो ऊपर होती हैं, दो नीचे, नीचे वालों को कहेंगे इंफीरियर कॉलिकुलस. कॉलिकुलाई का मतलब होता है हिल लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि अगर ये क्ले का बना हो तो मैंने इसको हल्का सा ऊपर उठा दिया, हल्का सा ऊपर उठा दिया, छोटे छोटे पहाड़ी सी बन जाती हैं, ठीक है. तो इन छोटी छोटी पहाड़ियों को क्या कहेंगे, कॉलिकुलाई, कॉलिकुलस इज सिंगुलर. डन, दो ऊपर है तो सुपीरियर है, नीचे है तो इंफीरियर है. अब मुझे ये मजेदार लगते हैं, देखो ये ना बड़े इंटरेस्टिंग से रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेंगे. ना सी, जो सुपीरियर रिफ्लेक्स, जो सुपीरियर कॉलिकुलस है गाइस, लिसन हियर, जो सुपीरियर कॉलिकुलस है और ये इंफीरियर कॉलिकुलस, ये रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं. ये कंट्रोल करता है, सुपीरियर ऊपर वाला कंट्रोल करेगा विजुअल रिफ्लेक्सेस को, ठीक है. ये कंट्रोल करता है विजुअल रिफ्लेक्सेस को, और जो नीचे वाले हैं ये कंट्रोल करते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को, कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस. अब रिफ्लेक्स क्या होता है, ऐसा रिएक्शन, ऐसा एक्शन जो तुम अचानक से दिखा देते हो, है ना, बिना सोचे समझे. नाउ लिसन, अब विजुअल रिफ्लेक्सेस में क्या होगा, देखो अब जब तुम पेपर दे के आते हो तो तुम तो ऐसी खास हैंडराइटिंग में लिख के आते हो कि टीचर पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता, या जब डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो सिर्फ केमिस्ट पढ़ सकता है. तुम पढ़ने की कोशिश करोगे तो जितना मर्जी पास ले आओ तुम्हें नहीं समझ में आने वाला, राइट. पर चलो अभी हम बात करते हैं तुम्हारी. तो जब वो तुम इतनी अच्छी सी हैंडराइटिंग में पेपर लिख के आते हो तो टीचर घुस घुस के जब पढ़ती है ना, तो क्या होता है, विजुअल रिफ्लेक्स होता है. यानी कि एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए जो तुम्हारी हेड मूवमेंट्स होती हैं बिना सोचे समझे, लाइक यू विल ब्रिंग योर हेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है, या अगर ब्राइट लाइट है तो तुम पीछे हो जाओगे, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, ये रिफ्लेक्सेस हैं. तो एक ये भी रिफ्लेक्स है, ठीक है, मेरा रिफ्लेक्स टुवर्ड्स साउंड पोल्यूशन, कैन नॉट कंट्रोल दैट. ना सी, ये विजुअल रिफ्लेक्स की बात कर रहे थे. तो गाइस विजुअल रिफ्लेक्स में क्या होगा, हेड और आईज की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं ताकि हम एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सके, ठीक है. और इसी तरह से ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ऑडिटरी इज रिलेटेड टू योर ईयर्स. तो तुमने कई बार ऐसे रियलाइज किया होगा कि अगर कोई तुम्हारा नाम ले रहा है तो तुम्हारी गर्दन एकदम से उधर घूमती है ना, जैसे एकता कपूर के सीरियल्स में एक तरफ से उधर घूमती है. तो अब ये है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, तुम्हें जैसे ही अपना नाम सुनाई दिया यू जस्ट टर्न योर हेड, राइट, कि मेरा नाम किसने लिया है. या फिर अगर तुम्हें पता लग रहा है कि साथ वाला बैठा है कुछ चुगली कर रहा है तो तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो तुम बड़े ड्रामे से करते करते इस तरह से हो जाओगे, कुछ सुन जाए कि ये बात कर क्या रहे हैं. तो ये क्या है, दीज आर ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस. आर यू गेटिंग दिस? सो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ हेड एंड ईयर्स, हेड एंड ईयर्स. और विजुअल में आएगा मूवमेंट ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ हेड एंड आईज टू फोकस एंड आईज. इज दैट क्लियर? तो गाइज ये फंक्शंस हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना के. इनको हम ऑप्टिक लोब्स भी बोल देते हैं. और हमारे अंदर कितनी ऑप्टिक लोब्स हैं, 4 ऑप्टिक लोब्स हैं, ठीक है. एम्फीबियंस वगैरह के अंदर 2 होती हैं, तो उसको कॉर्पोरा बाय जेमिना बोल देते हैं. डोंट डू दैट. चलो आगे आते हैं लास्ट पार्ट पे, दैट इज योर हाइंड ब्रेन. और देखो हाइंड ब्रेन जो है, हाइंड मीन्स पीछे की तरफ प्रेजेंट है, दिस इज योर हाइंड ब्रेन, ठीक है. जितना भी येलो है दिस इज ऑल हाइंड ब्रेन,
ना सी, हाइंड ब्रेन के अंदर सबसे पहले पॉन्स वेरोला है, जिसका हम अच्छा खासा फंक्शन स्टडी कर चुके हैं। मेन रोल होता है इसका ब्रीदिंग में, और हमने याद है पढ़ा था, दिस इज पॉन्स, यहाँ पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर पढ़ा था, यहाँ पे एपनियोस्टिक सेंटर पढ़ा था, एपनिस्टिक सेंटर, ठीक है, एपी लिख देते हैं। सो ये दोनों ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे थे। ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ सेंस रिले सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टू सेरिबेलम, सेरिबेलम तक मैसेज पहुंचाता है। लेकिन आप बस इतना लर्न कर लो तब भी चलेगा। फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा आपके स्लीपी साइकिल्स को, बट आपको मेन क्या याद करना है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा। दो सेंटर्स हम रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसी के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, मेडुला। नाउ सी, इसी के नीचे क्या प्रेजेंट है, मेडुला। सी, ये है आपका पॉन्स वेरोला है, ठीक है, और उसके नीचे ये वाला जो रीजन है, दिस इज ऑल मेडुला। टोल्ड यू मेडुला के अंदर इनवॉलंटरी प्रोसेसेस कंट्रोल होंगी, इट इज अ सेंटर फॉर इनवॉलंटरी प्रोसेसेस, फॉर मोस्ट ऑफ द इनवॉलंटरी प्रोसेसेस, जैसे कि कार्डिक एक्टिविटी के लिए इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट हैज कार्डिक सेंटर, यानी हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला कार्डिक सेंटर। अच्छा, एक्साइटेटरी सेंटर भी होगा जो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, और इनहिबिटरी सेंटर भी होगा। ऐसे यहाँ पे ब्रीदिंग सेंटर भी है, हमने पढ़ा भी था, डू यू रिमेम्बर, डॉर्सल इंस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये सब मुझे बताना कि तुम्हें कुछ याद भी है पुरानी चीजें कि बस भूल गए, ठीक है। सो ये चीजें याद होनी चाहिए, राइट, कार्डिक सेंटर, ब्रीदिंग सेंटर, इसी तरह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला। इनफैक्ट जो ब्लड वेसल्स की डायलेशन होती है या ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वो वेजो मोटर, क्या कहेंगे उसको, वेजो मोटर, वेसल्स की मोटर मींस मूवमेंट करवाने वाला, वेजो मोटर एरिया यहाँ पे होगा। आर यू गेटिंग दिस? वॉमिट सेंटर गाइस यहाँ पे होता है। डाइजेशन इज Not in your syllabus. Digestive system CBSE ने हटा दिया है इस साल के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, मैं स्कूल के एग्जाम्स के लिए, नॉट फ्रॉम नीट, ठीक है। तो हम पहले स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइजेशन में ये लिखा हुआ है कि वॉमिट सेंटर कहाँ पे, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा के अंदर है, ठीक है, और बहुत सारी इनवॉलंटरी प्रोसेसेस को ये कंट्रोल करेगा। डन, ऑल राइट। देन वी हैव दिस लास्ट पार्ट कॉल्ड सेरिबेलम, और गाइस सेरिबेलम मैंने बताया था दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, राइट, एंड इसका स्ट्रक्चर बहुत हद तक सेरिब्रम जैसा है। इसका मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक सेरिब्रम। तो जैसे सेरिब्रम के अंदर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स थे, ऐसे इसके अंदर दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स होंगे, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को किसने कनेक्ट किया था, कॉर्पस कैलोसम ने। इसको देखो अब कौन कनेक्ट करेगा, तो इसको कनेक्ट करने वाला ऐसा वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम बोल देते हैं वर्मिस, कीड़े जैसा स्ट्रक्चर है तो क्या कहेंगे, वर्मिस। और ये कनेक्ट करता है दो सेरिबेलम के हेमिस्फीयर्स को, और ये हैं दो सेरिबेलम के हेमिस्फीयर्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इन फोल्ड्स को भी कॉन्वोल्यूशंस कहा जाता है, और कॉन्वोल्यूशंस का पर्पस वही है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स अकोमोडेट किए जाएं। सो दीज आर द टू सेरिबेलर, स्पेलिंग अलग है, वो सेरिब्रल थे, दिस इज सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स, और इनका भी सरफेस स्मूथ नहीं होता, इनके अंदर भी कॉन्वोल्यूशंस प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? नाउ सी गाइस, अगर मैं इसको पीछे से तुम्हें ड्रॉ करके दिखाऊं तो चलो, ऑल राइट, नेक्स्ट यहां पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट हो जाता है, तो यहां पे एक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ सी, देखो, सो दिस इज योर ब्रेन, राइट, दिस इज योर पॉन्स वेरोला, पॉन्स वेरोला, and sorry, this is your midbrain, this is, ठीक है, now here, ठीक है। अब देखो ये पॉन्स वेरोला है, बहुत ही बुरा सा स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ठीक है, मान लेना प्लीज, तुम्हें पता है मेरी इतनी गंदी हैंड राइटिंग नहीं है, आई मीन ड्रॉइंग नहीं है, बट चलो अब मान लेते हैं इसे। और ये है हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, फाइन। नाउ सी, पॉन्स वेरोला के पीछे यहां पे गाइस प्रेजेंट होता है हमारा सेरिबेलम, ये है सेरिबेलम, ठीक है।
अब समझो एक चीज. नाउ सी हियर, ये सारा हमारा सेरिब्रम आ गया, ठीक है. ये हमारा मिड ब्रेन आ गया और ये हमारा सारा हाइंड ब्रेन है, ठीक है. नाउ सी, अब दो चीजें बताऊंगी, पहले ये याद रखना. एक होता है ग्रे एरिया और दूसरा होता है व्हाइट एरिया, ठीक है. दिस इज ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर. हमने न्यूरॉन्स पढ़े थे, न्यूरॉन में हमने देखा था कि एक्सॉन के आसपास माइलिन शीथ हो सकती है, और अगर माइलिन शीथ है तो वो व्हाइटिश कलर के नजर आते हैं, क्योंकि माइलिन शीथ लिपिड रिच लेयर है और लिपिड जो है वो व्हाइट कलर के होते हैं. नाउ लिसन, जितने भी माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके आसपास माइलिन शीथ है, वो व्हाइटिश है, तो सारी माइलिनेटेड एक्सॉन्स मिलके बनाती हैं व्हाइट मैटर. तो व्हाइट मैटर इज नथिंग बट माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है. बाकी न्यूरॉन्स का जितना भी हिस्सा है, यानी कि डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, और अगर उसके एक्सॉन के आसपास माइलिन शीथ नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? ग्रे मैटर, ठीक है. नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, ध्यान से पढ़ना. ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, ठीक है. ग्रे मैटर, डेंड्राइट, सेल बॉडी, नॉन माइलिनेटेड, व्हाइट. व्हाइट से याद रखना कि व्हाइट क्या है, आपकी माइलिन शीथ है, तो सिर्फ माइलिनेटेड एक्सॉन्स मिलके क्या बनाते हैं? व्हाइट मैटर, ठीक है. अब ब्रेन के अंदर, गाइस, ब्रेन के अंदर एक्सेप्ट मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा की अलग ही कहानी है, ठीक है. ब्रेन के अंदर आउटर ग्रे होता है और इनसाइड, इनर साइड पे व्हाइट मैटर होता है. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है. ब्रेन के अंदर बाहर ग्रे, अंदर व्हाइट होगा, एक्सेप्ट इन मेडुला ऑब्लॉन्गाटा. बट स्पाइनल कॉर्ड जब हम देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गाइस आउटर व्हाइट होता है और इनर ग्रे होता है. इज दैट क्लियर? इनर ग्रे होगा, डन. तो ये तुम्हें पता है किस किस चीज के बने हुए हैं. स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, ये दोनों एक जैसे, ठीक है. मेडुला ऑब्लॉन्गाटा ही बाद में स्पाइनल कॉर्ड बना देता है एक्सटेंड होके. तो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में और स्पाइनल कॉर्ड में, इनमें आउटर व्हाइट और इनर ग्रे मैटर होगा. इज दैट क्लियर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. नाउ व्हाई डिड आई टेल यू, सी सेरिबेलम के अंदर क्या होता है? ऑफकोर्स सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. तो बाहर क्या होगा? बाहर होगा ग्रे मैटर, अंदर होगा व्हाइट मैटर. तो ये देखो, ये व्हाइट मैटर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये ट्री ब्रांचिंग लाइक पैटर्न बनाता है. सेरिबेलम के अंदर व्हाइट मैटर ट्री ब्रांचिंग लाइक पैटर्न बनाएगा. इस पैटर्न को हम बोलते हैं आर्बर विट्टे. क्या बोलेंगे? आर्बर विट्टे. वेरी इंपॉर्टेंट. किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? व्हाइट मैटर का. किस तरह से? ब्रांचिंग लाइक पैटर्न में. दिस इज आर्बर विट्टे एंड सीन ओनली इन सेरिबेलम. क्लियर है? ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी. नाउ अब ब्रेन स्टेम क्या होता है? स्टेम, स्टेम वो चीज होती है जिसके ऊपर बाकी स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं. अब जब ब्रेन बनना शुरू होता है ना गाइस एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो पहले आपका मिड ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन बनता है, ठीक है. तो इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम. मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन is collectively known as brain stem. Done? अब अगर precisely देखा जाए तो cerebellum उसके अंदर नहीं आता. So midbrain और hindbrain के दो parts, pons veruli and medulla oblongata, only these will constitute the brain stem. But अगर ये option नहीं दे रखी तो this is the correct answer. But ये precise नहीं है, because cerebellum is not a part of brain stem. Is that clear? So ये है brain stem. वो फर्स्ट पार्ट जो कि एक्चुअली बनना शुरू होता है सबसे पहले, ठीक है, और इसके ऊपर बाकी के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं. डन. चलो सो अब आते हैं लिम्बिक सिस्टम पे. सो आई टोल्ड यू कि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं. सो इसको हम बोल देते हैं इमोशनल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, ठीक है. और द लिम्बिक सिस्टम, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड हैं. चलो, सो फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज अ सेंटर फॉर सेक्सुअल डिजायर. अमिगडाला,
अमिगडाला जो है यहाँ पे गुस्सा, रेज, फियर, ऐसी वाली इमोशंस कंट्रोल होता है, करता है। हिप्पोकैम्पस जो है आपकी मेमोरीज कंट्रोल करता है, याददाश्त, चीजों को लर्न करना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना, सो दैट इज हिप्पोकैम्पस। जैसे कि अगर हम कभी दोस्त बैठे पिक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, आजकल वैसे एल्बम का तो रिवाज रह नहीं गया है ना, सब फोन में ही है सब कुछ, बट एनीवेज कभी भी पिक्चर्स देखो तो ऐसा होता है ना कि एक पिक्चर देख के तुम्हें याद आता है कि अच्छा वहां पे ये भी हुआ था, फिर एक बताता है ओए तुझे याद है कि वहां पे उस लड़के ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया था, तुम्हें याद है, पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं जो शायद तुम्हें भूल गई हो लेकिन दूसरों को याद है क्योंकि उनका हिप्पोकैम्पस तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा अच्छा डेवलप्ड है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरीज को कौन कंट्रोल करता है? हिप्पोकैम्पस कंट्रोल करता है। रास्ते जिन लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद रहते हैं, एक बार रास्ता देख लें तो उनको कभी नहीं भूलता, राइट, उनका हिप्पोकैम्पस ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा तो बहुत बुरा है, ठीक है। तो ये गाइस कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके अंदर इमोशंस कंट्रोल करते हैं। नाउ दिस इज जस्ट वन, थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हैं, अदरवाइज देर आर मेनी सच स्ट्रक्चर्स, क्लियर। चलो, सो दिस वॉज योर इमोशनल ब्रेन एंड दिस इज द फिगर ऑफ योर एनसीईआरटी जो आपको लेबलिंग के लिए आएगी, तो आपको पता होनी चाहिए। डन। एंड लास्ट वील कम ऑन टू स्पाइनल कॉर्ड, आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना बताना था कि इसके अंदर भी प्रोटेक्शन के लिए देखो क्या प्रेजेंट है, प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होती है बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, है ना। और हमने पढ़ा था कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हर एक वर्टिब्रे, 26 वर्टिब्रे पढ़े थे, हर एक वर्टिब्रे के अंदर न्यूरल केनाल होती है, उस न्यूरल केनाल के अंदर ये प्रेजेंट होगा, हमने पढ़ा था इन द चैप्टर ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। बैकबोन के अंदर 26 वर्टिब्रे और हर एक वर्टिब्रे के अंदर एक केनाल, उस केनाल का नाम है न्यूरल केनाल, और न्यूरल केनाल के थ्रू रन करती है स्पाइनल कॉर्ड, तो वर्टिब्रे दे आर प्रोटेक्टिंग योर स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा, यहाँ पे भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है और उन मेम्ब्रेन्स का भी नाम क्या है? मेनिंजेस। सेम मेम्ब्रेन्स है, डैप, आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड मिडल इनसाइड, इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ इट इज प्रोटेक्टेड। और ये देखो, ट्रांसवर्स सेक्शन इज नो मोर इन योर सिलेबस, ऑल आई वांटेड टू शो यू इज कि इसका ग्रे मैटर गाइस इनसाइड होता है, इनर होता है, और बाहर होता है वाइट मैटर। तो जो ग्रे मैटर है ये एच शेप या बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको हम बोल देते हैं ग्रे हॉर्न, ठीक है। और वाइट मैटर सारा बाहर की तरफ है, दिस इज ऑल वाइट मैटर, और ये क्या बना देता है? फ्यूनिकुलस। सी, आउटर वाइट मैटर, इनर ग्रे मैटर, बस इतना बताना था, बाकी डिटेल्स आर नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। चलो, सो गाइज ये हो गया हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, कल हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सेस एंड द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, इज दैट क्लियर। चलो अब सीधा आते हैं हम अपने स्प्रिंट पे जल्दी से, एंड देन वील हैव द क्वेश्चन राउंड। सो गाइज द फर्स्ट क्वेश्चन इज, थैलमस एंड हाइपोथैलमस किस जगह पे लोकेटेड होते हैं? सो थैलमस एंड हाइपोथैलमस दे आर लोकेटेड इन ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम, सेरिबेलम या डायनसेफलॉन। सो द आंसर इज डायनसेफलॉन। तो आपको ऐसे लोकेशंस पता होनी चाहिए। साइनेप्टिक वेसिकल्स डिस्चार्ज करती हैं क्या? एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पुराने चैप्टर का, मसल के पास हमेशा एसिटाइल कोलीन रिलीज होता है। देन एरिया ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर रिलेटेड टू स्पीच। लेफ्ट हेमिस्फीयर किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का, राइट तो फोर ब्रेन के, यानी फोर ब्रेन में ही होगा ना लेफ्ट हेमिस्फीयर, यस। सो स्पीच के साथ कौन सा रिलेटेड है? या तो ब्रोकाज एरिया है या वर्निकीज एरिया है, क्योंकि इन्होंने फ्रंटल लोब या टेम्पोरल लोब तो मेंशन नहीं की, तो यहां से देखो सिर्फ ब्रोकाज एरिया दिया हुआ है, वर्निकी दिया ही नहीं है। सो आंसर इज ब्रोकाज एरिया, स्पीच प्रोडक्शन का, बोलने के लिए। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज्ड बाय प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन। रिसेप्टर्स कहां होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑलराइट, नाउ वर्निकीज एरिया, मेरा ब्रोकाज एरिया, तुम्हारा वर्निकीज एरिया, ऐसे याद रख लेना। तो वर्निकीज एरिया क्या करता है? साइट मोटर कोऑर्डिनेशन, नो, रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज को, जो लिखा है वो पढ़ के समझने में और जो बोल रहे हैं उसको समझने में यूज आएगा इसका।
एंड फाइनली द मोस्ट अवेटेड, आई नो तुम ये पहले ही देख चुके हो और आंसर्स कर चुके हो. सो वी हैव अ बर्गर क्विज ऑफ द डे गाइस. हु एम आई? लोब ऑफ सेरिब्रम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जजमेंट एंड क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. आई नो इजी क्वेश्चन, सो लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन सबसे पहले. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल स्टार्ट विद reflexes and we'll study other parts of nervous system and also the structure of eye. I'll see you tomorrow. Till then, keep studying and stay happy. पढ़ाई करते रहें. All the very best.